तो कैसे हैं आप लोग? सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं। सब्सक्राइबर को हाइड करने का मतलब ये है कि अगर आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर लेते हैं तो आपका जब भी कोई लोग आपके चैनल को सर्च करेंगे तो आपके चैनल पे नहीं शो करेगा कि आपका कितना सब्सक्राइबर है, सिर्फ कितना आपने वीडियो को अपलोड किया है सिर्फ उसकी संख्या ही सिर्फ नज़र आएगी, बाकी आप कितने सब्सक्राइबर है वो नज़र नहीं आएंगे। तो आपको किस तरीके से हाइड करना है आप इस वीडियो को देखिए, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को आप अपने पीसी या एंड्रॉयड फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे ब्राउज़र ओपन करेंगे उसके बाद आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है। आप जैसे ही यूट्यूब को ओपन करेंगे तो आपको आपके यूट्यूब में ही राइट साइड में चैनल का आइकन दिखेगा, राइट साइड में कोने में आप देख सकते हैं एरो भी है। आप वहां पे जाने के बाद उसके बाद यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करें। आप जैसे ही स्टूडियो पे क्लिक करेंगे तो आप अपने स्टूडियो के मेन फेस यानी मेन पेज पे पहुंच जाएंगे। मेन पहुंच पे आप जैसे ही जाएंगे पेज पे तो आपको दिखाई देगा आपके स्टूडियो का इंटरफेस। तो आपको सीधे आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे में लेफ्ट साइड में सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको चैनल पे क्लिक करना है, सेकंड ऑप्शन चैनल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चैनल पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ तीन बेसिक इन्फो एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने बाद आपको सीधे दिख रहा है डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू देम, यानी जिस ऑडियंस ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है वो दिखेगा, अगर टिक लगा हुआ रहेगा तो आपको जाए सीधे टिक जहाँ लगा हुआ था वहीं क्लिक करके आपको सेव कर देना है। बस हो गया काम खत्म, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट कट कर देना है। आप उसके बाद आप अपने चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइबर शो नहीं करेगा, सिर्फ कितना वीडियो है आपके चैनल पे।